नमस्कार, आप सभी का स्वागत है गपशप न्यूज में। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खारी में मासूम बच्ची के साथ रेप की घटना ने सबको हिलाकर रख दिया है। मामलों में दो आरोपियों को गिरफ्तार कर रासुका लगाई गई है। पुलिस ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट का हवाला देते हुए रेप के बाद आंखें निकलना और जीभ कटने की बात से इनकार किया है। वहीं अब इस मामले में विपक्ष भी हमलावर हो गया है। मायावती के बाद अब अखिलेश यादव और कांग्रेस नेता जितिन प्रसाद ने भी कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। लखीमपुर खारी के SP सत्येंद्र कुमार ने आंख निकलना और जीभ काटने की बात से इनकार करते हुए बताया, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पंचनामा दोनों के आधार पर ये जो कहा जा रहा है कि उसकी आंखें फूटी है या उसकी जीभ काटी गई, ये पूरी तरह से असत्य है। पोस्टमार्टम या पंचनामा किसी में भी इसकी पुष्टि नहीं हुई है। SP ने आगे कहा, मौके पर जो डेड बॉडी मिली थी उसमें आंख के पास हल्का सा ब्लड लगा हुआ था, क्योंकि वह गन्ने का खेत था और गन्ने के खेत में जब भी कोई भी व्यक्ति जाता है, गन्ने के पेड़ की नुकीली पत्तियों से आंख के पास हल्का रगड़ लग जाता है, जिससे ब्लड आ जाता है। SP ने आगे कहा, जब भी गला दबाया जाता है तो दांतों के बीच जीभ अक्सर दब जाती है, ऐसे इस मामले में भी हुआ है। जीभ काटने की बात पूर्णतया निराधार है। SHO ईसानगर ने बताया, आरोपी संजय का उसके खेत में खुले में शौच को लेकर लड़की के परिवार से विवाद हो चुका है। लड़की का शव आरोपी के गन्ने के खेत में मिला और परिवार ने शिकायत में उसका नाम दर्ज कराया। पूछताछ के दौरान संजय ने स्वीकार किया, उसने अपने साथी संतोष के साथ मिलकर लड़की को मारा। लड़की की आंखें नहीं निकाली गई थी। जो आंख के पास निशान दिख रहा है कि वह गन्ने की नुकीली पत्तियों की वजह से है। बच्ची के साथ रेप के मामले में विपक्ष हमलावर हो गया है। कांग्रेस नेता जितिन प्रसाद ने ट्वीट किया है, कहा है, पुलिस क्या करती रही जो इतनी बड़ी घटना घटित हो गई। इसके लिए जिम्मेवार लोगों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए और परिवार की भी सुरक्षा का ध्यान रखा जाना चाहिए, ताकि अब उन्हें कोई भयभीत ना कर सके। वहीं अखिलेश ने भी योगी सरकार पर सवाल करते हुए ट्वीट किया, यूपी के लखीमपुर खीरा में एक बेबस किशोरी से दुष्कर्म के बाद निर्मम हत्या इंसानियत को झकझोर देने वाली घटना है। भाजपा काल में यूपी की बच्चियों व नारियों का उत्पीड़न चरम पर है। बलात्कार, अपहरण, अपराध व हत्या के मामले में भाजपा सरकार प्रक्षयकारी क्यों बन रही है। इससे पहले मायावती ने इस मामले में ट्वीट करते हुए कहा था कि समाजवादी पार्टी और BJP में कोई अंतर नहीं रह गया है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।